आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल हिंदी टेकमिंट में। और HTML सीखने की इस सीरीज में आज हम देखेंगे लिस्ट को, और इसमें हम देखेंगे ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट और ग्लॉसरी लिस्ट को। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट को फ्रेंड नंबर लिस्ट भी कहते हैं। अब देखिए फ्रेंड, लिस्ट जैसे एप्पल है, एंड्रॉयड है, विंडोज़ है, लिनक्स है, ये लिस्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की या प्लेटफॉर्म्स की। तो इसमें जो सिक्वेंस आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 जो लिखा हुआ है, ये तो ये एक सीक्वेंस मेंटेन कर रहा है, इसी को हम जो कह रहे हैं वो लिस्ट कह रहे हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स यहाँ पर आपने बहुत से एग्जाम्स में देखा होगा, वहाँ पर इन नंबर्स का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा आपने देखा होगा ABCD का यूज़ किया जाता है, स्मॉल ABCD या कैपिटल वर्ड्स का भी यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड इन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हमें लिखना होता है OL। OL मीन्स ऑर्डर लिस्ट, और इसका क्लोजिंग टैग लगाना होता है। और इस टैग के अंदर फ्रेंड्स, इसी टैग के अंदर जो है हमें ये LI लिखने होते हैं। अगर फ्रेंड्स LI की बात करें तो इसका क्लोजिंग टैग जो है वो कंपलसरी नहीं है। इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं फ्रेंड्स। एट्रीब्यूट्स क्या है फ्रेंड्स, टाइप के अंदर हम लिखेंगे ये क्या एट्रीब्यूट है, मतलब टाइप। और टाइप के अंदर जो है हम 4-5 तरह की वैल्यू दे सकते हैं। तो अगर हम कैपिटल A लिखेंगे तो हाँ, यहाँ पर हमें जो ABCD वाली इस तरह की जो है वो हमारी दिखाई देगी लिस्ट। और अगर हमने I लिख दिया तो कैपिटल I इस तरह से दिखाई देंगी, और अगर हमने 1 2 3 लिखा तो इस तरह से दिखाई देगी। एक्चुअली डिफ़ॉल्ट रूप से 1 2 3 ही दिखाई देता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आप चाहें तो स्मॉल ABCD या I यूज़ कर सकते हैं, ये रोमन वर्ड्स कहलाते हैं I वाले, जो सेकंड नंबर पे हमारे यहाँ शो हो रहे हैं। अब हम देख लेते हैं अनऑर्डर लिस्ट। तो अनऑर्डर लिस्ट में देखिए फ्रेंड्स, ये एप्पल एंड्रॉयड वगैरह जो है इनके पास जो है, देखिए एक सिक्वेंस मीन्स यहाँ पर एक चीज़ नोटिसेबल ये है कि यहाँ पर नंबर नहीं लिखे हुए हैं 1 2 3 4। यहाँ पर जो है वो किसी भी तरीके से नंबर जो है वो काउंट नहीं हो रहे हैं। यहाँ एक बॉक वगैरह है या बुलेट्स वगैरह का यूज़ किया जाता है। एक्चुअली हम सिंपली कह सकते हैं बुलेट्स का यूज़ किया जाता है, तो उसे हम अनऑर्डर लिस्ट कहते हैं। तो अनऑर्डर लिस्ट को लिखने के लिए फ्रेंड्स यहाँ मैंने ये एक मिस्टेक की है, यहाँ जो है वो आप यू लिखेंगे, ओ के स्थान पर क्या लिखेंगे, यू। और इसके बाद जो है इसके अंदर भी हम जो है सिंपली उसी तरह से LI लिखेंगे। अब फ्रेंड्स इसके भी जो है कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एट्रीब्यूट्स क्या हैं, इसके सर्किल है जो फ्रेंड्स हमें यहाँ शो हो रहा है, और इसके अलावा जो है फ्रेंड्स स्क्वायर है जो हमें यहाँ शो हो रहे हैं, और इसके बाद जो रह जाता है डिस्क जो हमें इस तरह से हो रहा है। यानी हम इसमें जो है तीन तरह के जो है हम अनऑर्डर लिस्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इसके प्रैक्टिकल पार्ट को देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स अपना जो है मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया है, और इस पर जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का जो कोड है वो पेस्ट कर लिया है। और इसके अंदर जो फ्रेंड्स जो है वो मैंने नाम लिख दिया है लिस्ट, हेडिंग जो दी है वो हमने लिस्ट दी है टाइटल में। फ्रेंड्स इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के लिए फ्रेंड्स आप जो है नाम कोई सा भी यूज़ कीजिए, लेकिन लास्ट में .html लगाना आप ना भूलिए, list.html। सेव कर लिया फ्रेंड्स। अब देखिए ये टैग्स जो हैं वो HTML में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गए। तो ये बेनिफिट है नोटपैड प्लस प्लस का। अब देखिए फ्रेंड्स सिंपली मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, OL, क्योंकि हम ऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं, और OL क्लोजिंग टैग। और इसको जो है बीच में हम इसके कुछ गैप जो है वो दे देते हैं, ताकि जो है हम इसके अंदर कुछ भी डेटा अपना जो है वो लिख पाएँ। ऊपर फ्रेंड्स मैं H2 हेडिंग के अंदर लिख देता हूँ ऑर्डर लिस्ट। अब देखिए फ्रेंड्स इसके अंदर अभी जो है वो हमें आइटम भरना होते हैं। मैंने बताया क्लोजिंग टैग तो वैसे लगाना अनिवार्य नहीं होता है LI का, यानी लिस्ट आइटम का, बट LI अगर हम क्लोजिंग टैग के साथ यूज़ करते हैं तो प्रॉपर वे में अच्छा भी लगता है, और HTML जो है वो प्रोफेशनली दिखाई भी देती है। तो हम यहाँ 3-4 बार पेस्ट कर ले रहे हैं, और इसके अंदर जो है वो आइटम लिख ले रहे हैं सिंपली एप्पल। डॉक्यूमेंट जो है वो हम सेव करते हैं, और इसके बाद जो है हम अपने वेब पेज को रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पे जो है वो ऑर्डर लिस्ट के नीचे जो है 1 2 3 4 5, मतलब 4 तक एप्पल, विंडोज़ और एंड्रॉयड, लिनक्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम एट्रीब्यूट का यूज़ करके जो है इनको भी चेंज कर लेते हैं। लिखेंगे यहाँ पर हम सिंपली टाइप इक्वल्स टू, अगर हम फ्रेंड्स यहाँ पर लिख देते हैं I, तो हमारा जो है वो स्मॉल अल्फाबेटिक जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर जो है टाइप स्मॉल I, जो मैंने अभी एट्रीब्यूट्स आपको दिखाए थे, उनको जो है लिख लिख कर देख लीजिए, और अलग अलग आउटपुट जो है अपनी इच्छा अनुसार आप ले सकते हैं। तो एनी वे फ्रेंड्स
ऑर्डर लिस्ट हम देख चुके हैं, अब हम जो है वो अनऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर ओ को हटा करके यू कर देंगे तो ये हमारी जो है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अनऑर्डर लिस्ट हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट रेडी हो गई है। सेव करते हैं फ्रेंड्स इसी को और वेब पेज को जाके हम रिफ्रेश करते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, डिफ़ॉल्ट रूप से जो है वो हमें जो है डिस्क जो है वो मिलती है। अब हम जो है ऑर्डर लिस्ट की जगह अनऑर्डर लिस्ट कर देंगे और ये जो लिस्ट जो है यहाँ पर ये जो इस तरह से कॉलम दिखाई दे रहे हैं इसको भी हम चेंज कर लेंगे, वहाँ पर डिस्क टाइप जो है वो कर देंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ ऊपर लिखें अन और इसके बाद टाइप के अंदर हम लिखेंगे स्क्वायर और सेव करेंगे फ्रेंड्स, और आउटपुट हम जो है वो देख लेंगे, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा हमारा। तो ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, अनऑर्डर लिस्ट तो हो ही गया और नीचे देखिए स्क्वायर के रूप में जो है वो शो होने लगे। तो आई होप आप लोग जो है अनऑर्डर और ऑर्डर लिस्ट को समझ पाए होंगे। फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में आते हैं, हम जो है ग्लोसरी लिस्ट को देखते हैं और साथ ही साथ हम देखते हैं कि हम लिस्ट की जो है किस तरह से नेस्टिंग कर सकते हैं, यानी एक लिस्ट के अंदर जो है वो दूसरी लिस्ट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है, आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट कीजिए या मुझसे पूछिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए यार, वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।